खूब समझ लो, जब तक बंदे ने अपने आप को अपनी नफसानी ख्वाहिशात के पीछे लगाया हुआ है और उसका ताबे बना हुआ है, उसके आगे सर झुकाया हुआ है, उस वक्त तक कभी भी वो जन्नत नहीं हासिल कर सकता, ना उसकी जिंदगी दुरुस्त हो सकती। वाहिद रास्ता यही है कि इन ख्वाहिशात का को कुचले और कुचल कर अल्लाह तबारक व तआला की खातिर अपने ऊपर जबरदस्ती करके अपने आप को उस काम से बचाए। भाई बड़ा मजा आ रहा है, खलबत में बैठे में एक फिल्म चल रही है और लुत्फ ले रहे हैं आराम से। ये बताओ कि अगर उसी वक्त तुम्हारे वालिद आके खड़े हो जाए वहां पर, क्या करोगे? कहो कि वालिद साहब से आइए तशरीफ लाइए, आप भी शामिल हो जाइए, बड़ा मजा आ रहा है, करोगे? नहीं तो अल्लाह जो देख रहा है हर वक्त उसका कोई ख्याल नहीं, वहां सब्र करोगे? सब्र करेंगे क्योंकि बाप देख रहा है। चलो बाप छोड़ो, बेटा देख रहा है वो और ज्यादा खतरनाक, बाप देख रहा है और बेटा आ गया, क्या होगा? उस्ताद देख रहा है शागिर्द आ गया, शागिर्द देख रहा है उस्ताद आ गया, क्या करोगे? तो खुदा के बंदो, जब इन मखलूकात की खातिर सब ख्वाहिशें खत्म हो जाएंगी तो अपने मालिक और खालिक की वजह से नहीं करोगे? तो ये सब्र ऐसी चीज है, और ये रोजे में अगर सब्र की तरबियत हमने हासिल नहीं की तो फायदा क्या? या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलैज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। तकवा पैदा करना मकसूद, तकवा इसी का नाम है कि ख्वाहिशात को दबा कर जबरदस्ती करके अपने आप को बचाया जाए। इसको मैं इस तरह ताबीर करता हूं कि अपने ऊपर जबरदस्ती करनी चाहिए। कोई अपना मामूल बनाया हुआ है, उसमें सुस्ती हो रही है तो क्या होगा? ये हाय हाय ना करो, बल्कि नज़्म औकात बनाकर उस नज़्म औकात की पाबंदी करो। नफ्स अगर उसके खिलाफ जाना चाहे उसकी मुखालफत करो, अपने ऊपर जबरदस्ती करो। जितनी जबरदस्ती अपने नफ्स के ऊपर करोगे उतना ही अल्लाह के साथ ताल्लुक कायम होगा। चाहे ताआत की बजा आवरी हो, चाहे मासियतों से इज्तिनाब हो, दोनों सूरतों के अंदर जबरदस्ती करनी है अपने आप पर, जबरदस्ती करने दो। ऐसी जबरदस्ती जैसे नौकरी के लिए करते हो, ऐसी जबरदस्ती जैसे दुनिया की दौलत हासिल करने के लिए करते हो, थोड़ी जबरदस्ती करनी है। इसका नाम सब्र है, और यही सब्र जन्नत की जमानत है।